महिलाओं को लेके, महिलाओं की भूमिका को लेके आम आदमी पार्टी बहुत मुखरित रही है, और आपने अपने सामाजिक कार्य में, अपने सामाजिक जीवन में भी महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत ही मुखर आवाज उठाई है, तो इसको आप आगे कैसे देखते हैं और महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित करने के लिए आप क्या संबोधन करना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं आपको एक अनुभव बता दूंगा। 4 दिन पहले एक कार्यक्रम में मुझे एक महिला ने समान नागरी कानून के बारे में सवाल पूछा। एक्चुअली ये समान नागरी कायदा मराठी में या समान नागरी कानून, ये बहुत गलत शब्द है। संविधान में इसके बारे में जो उल्लेख है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा उल्लेख है, और उसका सही भाषांतर तो एकरूप नागरिक संहिता होता है। इसके बारे में भी बहुत राजनीति होती है। असल में हमारे देश में लगभग 99% कानून सभी जाति धर्मों के नागरिकों के लिए समान है। सभी 99% जीवन व्यवहार के बारे में लगभग 99% कानून सबके लिए समान। निजी जिंदगी में जिनको हम व्यक्तिगत कानून बोलते हैं, जो विवाह, घटस्फोट यानी विवाह विच्छेद, और वारसा हक, और दत्तक विधा, ये चार है, मतलब विवाह, विवाह विच्छेद, वारसा हक और दत्तक विधान, ये चार चीजों को लेकर सिर्फ अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। और उसमें राजनीति ये होती है कि इससे कुछ धर्मियों को फायदा मिल रहा है, कुछ धर्मियों को फेवर किया जा रहा है, ये गलत बात है। इन चारों चीजों के लेकर अपने अपने समाज की कुछ व्यक्तिगत मान्यता है, और उससे कुछ रीति रिवाज बने। उसमें कुछ रीति रिवाज अच्छे है, कुछ रीति रिवाज गलत भी है। ये चारों के संदर्भ में कहीं इस धर्म को लेकर अच्छे रीति रिवाज है, कहीं उस धर्म को लेकर अच्छे रीति रिवाज है, उन सबको समेटते हुए और आज की जीवन प्रणाली को देखते हुए कानून विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बैठकर इन चारों चीजों के बारे में भी कुछ इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उसके कारण आज बहुत कुछ समाज में कुछ हम रुके हुए हैं या कुछ दिक्कत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन तब मैंने यह कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग मेरे जैसा कार्यकर्ता एक बात के लिए बिल्कुल करूंगा, वो इसलिए कि लगभग हर धर्म में जो धर्म की किताब है वो पुरुषों ने लिखी है, और उसमें निश्चित रूप से महिलाओं पर अन्याय किया, तो देश के सभी जाति धर्मों की महिलाओं को न्याय मिले, सभी जाति धर्मों की महिलाओं को अपना व्यक्तित्व विकसित करने का अधिकार मिले, इसमें अगर कोई व्यक्तिगत कानून आड़े आता है तो उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी को आगे लेकर मैं एक बात कहूंगा सविताजी जी, मैं पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय के लिए सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं देखता हूं कि महिलाओं सार्वजनिक जीवन में बहुत भागीदारी करने के लिए उत्सुक है। जन आंदोलनों में भी महिला आगे है, सार्वजनिक स्थानीय स्वराज्य संस्था में रिजर्वेशन मिला है, वहां भी कई महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सार्वजनिक जीवन में महिला जगत जो है वो भागीदारी करने के लिए बहुत उत्सुक है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के लिए एक उचित वातावरण, पर्याप्त वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण हम पैदा करें, ताकि महिला सार्वजनिक जीवन में आकर एक बहुत ही खुले मन के साथ अपनी भागीदारी करें। इसमें एक और भी एक बात जोड़ूंगा मैं, कई घरों में जाके मैंने देखा है, जैसे 2 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उनमें किस खेती की अर्थव्यवस्था, उसके तरफ होने वाली अनदेखी एक सवाल तो है ही, लेकिन 2 लाख घरों में पुरुष किसानों ने आत्महत्या की, और उसी घर में जो तनाव था घर चलाने का, उस तनाव का मुकाबला जो हमारी महिला किसान है वो करती भी थी और आज भी कर रही है। शहर में भी मैंने कई मेहनतकश भाई बहनों के घर में जाके मैं मिला हूं, हमारे जो पुरुष भाई है कई बार बोलते हैं कि बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, और जब टेंशन आता है तो जो दिन भर की कमाई होती है उसकी आधी कमाई में वो शराब में डाल के, शराब पी के टेंशन मुक्त होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस घर की हमारी जो बहन है, वो बहन अगर 4 घर में वो बर्तन मांजने का काम कर रही है, तो वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मैं कल से 5 घर में बर्तन मांजने का काम करूंगी, लेकिन तू पढ़ाई कर। तो जो तनाव है अलग अलग परिवारों में, उन तनाव का मुकाबला करने की एक सक्षमता, और वो मैं महिलाओं में बढ़ती हुई देख रहा हूं, एक बहुत अलग मुद्दा है।
मैं बायोलॉजी और जूलॉजी का एक अभ्यासक भी रहा हूं, तो एज ए हेरिडिटरी तान तनाव का सामना करते हुए भी जीवन संघर्ष को, जीवन संघर्ष का मुकाबला कर डट के वो मुकाबला करने की क्षमता महिलाओं में बढ़ रही है ऐसा मैं देखता हूं। पुरुषों में, पुरुष तनाव का सामना करते समय कई बार आत्महत्या का शिकार, वो खुद को शिकार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय समाज की कई मूलभूत समस्याओं को अगर सुलझाना है तो हमारी जो आधी आबादी है जिनके पास सक्षमता है, जिनके पास एक अनोखी एक रीत हो सकती है समस्याओं को सुलझाने की, उनको परिवार में भी और सार्वजनिक जीवन में भी निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए हम पुरुषों को एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करना बहुत जरूरी है। वो महिलाओं के लिए नहीं, वो हम सब के लिए जरूरी है।